की बीजापुरी गांव में एक घटना हुई है। बता दें कि डिंडौरी जिले की बीजापुरी गांव में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम और कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी रुद्रेश परस्ते के समर्थकों के बीच प्रचार प्रसार और बैनर पोस्टर लगाने को लेकर आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों ही पक्ष एक दूसरे की जमकर पिटाई कर चुके हैं और ये मामला पुलिस थाना पहुंच गया है। एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। समनापुर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की है। प्रचार प्रसार को लेकर दोनों पक्षों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई और जमकर झगड़ा हुआ। हमारे में बड़े भैया खोले हैं दुकान, बड़े भैया के दुकान में आज ये छपाई कर रहा था तो मैं रहा दुकान में। ये लोग आए और आके सुबह हम लगा रहे थे बैनर। किसका बैनर लगा रहे थे? हम ओमकार मकान का। अच्छा, ये कंप्लेंट आए कौन फाड़ा, यानी कि ये कहने लगे कि कौन लगाया है बैनर। बोला कहा कि मैंने लगाया। इतने में आया कंप्लेंट फाड़ के और एकदम से ये लोग मारपीट करने लगे। किसका बैनर लगा रहे थे? ओमकार मकान। तुम लोग लगा रहे थे? प्रचार के लायक निकल रहा था गाड़ी से, तो संतोष मरकाम के जो आदमी है पकड़ के हमको बहुत अच्छे मारे। किसके प्रचार में थे? हम लोग उदेश परस्ती के प्रचार में थे। कहाँ की बात है? बीजापुरी की बात। क्या बोल रहे थे वो? तुम उनके प्रचार मत करो, ये तुमको मारेंगे, तुम्हारी गाड़ी चला देंगे, तुमको मारेंगे पीटेंगे। कहाँ की बात है? ये बीजापुरी की बात सर। ये संतोष मरकाम के खराब। शिकायत की आपने? जी थाना में हो गया। जी सर।